नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ सना हुसैन। आइए देखते हैं पप्पू कुमार कुशवाहा की खास रिपोर्ट। फर्जी नर्सिंग होम संचालक सत्ताधारी पार्टी के नेता कहकर उठाते हैं नाजायज फायदा। बता दें कि पिछले दिनों एक निजी अस्पताल सुगौली में डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो गई थी, जिसको लेकर सदर SDO के आदेश के बाद नर्सिंग होम की जांच स्थानीय प्रखंड विकास पदाधिकारी व PHC प्रभारी के द्वारा किया गया, जिसमें घटना सत्य पाया गया और अस्पताल भी फर्जी पाया गया। इतना ही नहीं, अस्पताल के अंदर अवैध अल्ट्रासाउंड व फर्जी डॉक्टर भी थे। फर्जी डॉक्टर भागने में सफल रहे। वहीं PHC प्रभारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा जांच रिपोर्ट तो सदर SDO को सौंप दी गई है, लेकिन अभी तक नर्सिंग होम के संचालक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही नर्सिंग होम को किया गया है। इतना ही नहीं, सुगौली प्रखंड अंतर्गत करीब सैकड़ों की संख्या में अवैध तरीके से, यूं कहें तो धड़ल्ले से, नर्सिंग होम, अल्ट्रासाउंड लैब, दवाखाना का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इन आला अधिकारियों की नींद तब खुलती है जब कोई निर्दोष व्यक्ति की मौत हो जाती है। सुगौली सरकारी अस्पताल के पीछे हर से सेवा सदन जो अवैध नर्सिंग होम है, उसका रास्ता भी सरकारी अस्पताल के कंपाउंड से ही होकर जाता है। सवाल तो इस बात का है कि आखिर ये रास्ता किसके कहने पर दिया गया है? क्या अस्पताल प्रभारी ने रास्ता मुहैया कराया? अगर नहीं तो रास्ता बंद क्यों नहीं हुआ? हर से सेवा सदन के संचालक का कहना है कि हम तो सत्ताधारी पार्टी के बड़े नेता हैं, हमारा पहुंच बड़े बड़े नेताओं से है, मेरा कुछ कोई नहीं कर सकता। अब देखना ये होगा कि आखिर कब तक कार्रवाई हो रही है, सिर्फ निर्दोष लोगों की जाने इसी प्रकार जाती रहेंगी और पदाधिकारी सिर्फ फाइलों में ही रिपोर्ट दर्ज करते रहेंगे। आज हमारे और BDO साहब के द्वारा अवैध नर्सिंग होम की जांच की गई। जैसे कि पता चला था कि 16 तारीख को एक महिला मरीज की मौत हो गई डिलीवरी के दौरान, तो उस आलोक में SDO साहब ने आदेश दिया था BDO साहब को कि आप एक जांच करके और रिपोर्ट, संयुक्त रिपोर्ट भेजिए। तो हम लोगों ने जांच किया, जांच के दौरान हम लोगों ने पाया कि हाँ, वहाँ पे जो अल्ट्रासाउंड है, रजिस्ट्रेशन तो है अल्ट्रासाउंड का। कहाँ पे जांच किया गया है सर? ये अजीत सिंह जी के मकान में है। कहाँ पर है ये? CSC के जस्ट पीछे जी, जो बेसिकली उसका रास्ता हमारे ही कैंपस से होके जाता है। क्या वो रास्ता है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। रास्ता नहीं होना चाहिए, ये कैंपस जब हमारा आया था कैंपस CSC का ही होना चाहिए जी। जांच में क्या देखा गया है? जांच में वहाँ पे कुछ मरीज पाए गए, भाग गए और अल्ट्रासाउंड चल रहा था, अल्ट्रासाउंड का निबंधन था, लेकिन वहाँ पे कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर अल्ट्रासाउंड नहीं कर रहे थे। एक फेक टेक्नीशियन के द्वारा अल्ट्रासाउंड किया जा रहा था जो मौके से फरार हो गया। तो हम लोगों ने एक जो है, जो भी है, वो जांच रिपोर्ट तैयार करके और हम लोग SDO साहब को भेज रहे हैं। वहाँ पे जो महिला इलाज के दौरान मरी थी, उसके संबंध में क्या देखा गया है? इसकी जानकारी देखिए मीडिया के द्वारा ही हम लोग को प्राप्त हुई कि एक महिला की मौत हुई है डिलीवरी के समय में, पार्वती देवी वार्ड नंबर कथवलिया वार्ड नंबर 3 की। किस तरह का वो नर्सिंग होम है, रजिस्टर्ड है या? वहाँ तो किसी डॉक्टर का कोई कुछ पाया नहीं गया, कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर वहाँ नहीं है। नर्सिंग होम का कोई रजिस्ट्रेशन आपने देखा? कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है नर्सिंग होम का। इसका मतलब वो नर्सिंग होम अवैध रूप से चल रहा था? हाँ, अवैध रूप से ही चल रहा है जी। जी, इसके संबंध में आपकी अगली कार्रवाई क्या होगी? हम लोग जांच रिपोर्ट आज भेज रहे हैं अनुमंडल पदाधिकारी साहब को और उस पर जो भी आदेश आएगा उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपके प्रखंड क्षेत्र में भी बहुत सारे अवैध नर्सिंग होम, एक्सरे, पैथोलॉजी और मेडिकल की बात है, सब किसी को हमारे द्वारा नोटिस दिया जा चुका है कि वो अपना डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ सबमिट करें, जिसकी जांच पड़ताल की जाएगी। कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है। एक आम और लास्ट क्वेश्चन सर, कि जो CSC से जो होकर बीचे बीच जो जाती है जो नर्सिंग होम में सर, वो रास्ते के बारे में सर क्या कहिएगा? देखिए, मैंने कहीं नहीं देखा है कि सरकारी अस्पताल के बीच से रास्ता निकाल के किसी को प्राइवेट को दिया जाता है, ऐसा तो नहीं होगा, ना होना चाहिए। इसकी भी, इसका भी हम लोगों ने उल्लेख किया है अनुमंडल पदाधिकारी साहब को।